ये है भाई यहाँ पर सहस्त्र धारा का पूरा जो पानी वगैरह है, ये आप लोग मेरे पीछे पे यहाँ पर देख रहे होंगे। द्रोण आचार्य जो है उनका यहाँ पर जो स्टैचू बना रखा है, ये रहे भाई यहाँ पर द्रोण गुफा। द्रोण आचार्य थे, उन्होंने यहाँ पर शिव की तप किया था यहाँ पर आकर के। ओ भाई साहब पकड़ा है भाई यहाँ का हिसाब। अरे भाई कुछ भाई लोग यहाँ पर स्विमिंग वगैरह भी कर रहे हैं। थोड़ी सी और ज्यादा भीड़ हो रही है, मतलब ऐसे स्टेप स्टेप में बना रखे हैं। यहाँ से ऊपर जाना पड़ता है रोपवे के थ्रू, ये आप लोग यहाँ पर देख रहे होंगे। तो टिकट वगैरह आप लोगों को यहाँ पर से लेना पड़ेगा, अप डाउन का यहाँ पर 200 रुपए रहता है। हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। तो भाई आज मैं आप लोगों को लेकर के जाने वाला हूँ यहाँ से सहस्त्र धारा। मैं यहाँ पर घंटाघर में हूँ, तो यहाँ से मैं आप लोगों को लेकर के चलता हूँ। फटाफट से निकलता है यहाँ पर से, क्योंकि यहाँ पर लग रही है बहुत तेज धूप। निकलता है यहाँ से, फिर दिखाता हूँ मैं आप लोगों को। तो भाई हम यहाँ पर अभी महाराणा प्रताप चौक के सामने पे पहुंच गए। यहाँ पर आप लोग देख रहे होंगे मेरे पीछे पे, यहाँ पर है महाराणा प्रताप चौक। तो यहाँ से हम अभी सीधा आगे को निकलने वाले, यानी कि जो माल देवता वाली रोड है इस साइड को हमको यहाँ पर जाना है। तो मैं यहाँ पर थोड़ा सा ना आप लोगों को यही दिखाने के लिए रुका हुआ था कि आप लोगों ने चौक से किस साइड को यहाँ पर जाना है, मैंने आप लोगों को यहाँ पर बता दिया। यहाँ से बस आप लोगों ने अब सीधा आगे को निकलना है। तो पहले चलते हैं यहाँ से आगे, फिर मैं आप लोगों को यहाँ पर पूरा चेक कराता हूँ कि यहाँ पर किस टाइप से। तो ये रहा भाई यहाँ पर महाराणा प्रताप चौक, यहीं पर से बस हमने इस वाली साइड को निकलना है। जो मैं आप लोगों को यहाँ से सीला की चौकी वगैरह ले गया था, उसके लिए मैं आप लोगों को इस साइड को यहाँ पर ले गया था। वहाँ का भी भाई लिंक आप लोगों को ऊपर पर आई बटन पे देखने को मिल रहा होगा। यहाँ पर भाई आप लोग लिखा हुआ देख रहे होंगे ऊपर पे, यहाँ पर है ये सहस्त्र धारा, मसूरी और धनौल्टी। आप लोग इस वाले रास्ते से भी यहाँ पर जा सकते हो इन तीनों जगह पे। फिलहाल तो भाई हमने यहाँ से सहस्त्र धारा जाना है, तो यही वाला रूट हमारा यहाँ पर रहने वाला है। आगे का रास्ता एक बार चेक करो भाई, कितना प्यारा यहाँ पर देखने को मिल रहा है। सहस्त्र धारा में और क्या क्या चीजें यहाँ पर देखने लायक, वो सारा मैं आप लोगों को यहाँ पर दिखाऊंगा। देखो भाई इस पुलिया को पार करते हुए हम यहाँ पर से जा रहे हैं, और इस साइड को हमने भी जाना है, इस वाली साइड को। तो रास्ता यही यहाँ पर रहेगा, अभी जाने लगे भाई यहाँ से आगे आगे की ओर। तो ये पहुंच गए भाई हम यहाँ पर एक और चौराहे पे। तो यहीं पर से जाता है भाई आप लोगों का सहस्त्र धारा का रास्ता। आप लोग ये एरो बना हुआ भी देख रहे होंगे, सहस्त्र धारा मसूरी यहाँ के लिए, और माल देवता वाला रास्ता यहाँ से सीधा आगे। पर हमने यहाँ से भाई ऊपर के लिए टर्न हो जाना है, तो यहाँ से जाने लगे हम ऊपर की ओर। यह यहाँ पर से हम मुड़ गए। तो चलो जी अब जा रहे हैं यहाँ से आगे आगे, और फिर दिखाता हूँ मैं आप लोगों को। मैं थोड़ा सा आप लोगों को यहाँ पर जगह का अंदाजा देने के लिए रुका हुआ था। यहाँ पर से एक नदी वगैरह भी बहती है, वो भी मैं आप लोगों को यहाँ पर चेक कराता हूँ। इस वाले रास्ते से वैसे हम यहाँ पर होते आ रहे हैं इस वाले रास्ते से, और यहाँ को हमने अभी आगे को जाना है। आप लोगों को थोड़ा ना इधर आसपास का एरिया यहाँ पर चेक करा देता हूँ कि किस टाइप से। तो चलो जी अब लेकर के चलता हूँ मैं आप लोगों को यहाँ से अंदर, और फिर चेक कराता हूँ यहाँ से जाएंगे हम। यहाँ पर थोड़ा सा ये रास्ता भी है, यहाँ पर ना वैसे खाने पीने का भी रहता है। तो यहाँ पर अभी तो ये दुकान बंद हो रही है, मतलब एक वैन टाइप की है यहाँ पर, फूड वैन टाइप। ये देख रहे होंगे आप यहाँ पर, ये चेक कर लो फिलहाल के लिए भाई, ये यहाँ पर बंद हो रही है। मैं आप लोगों को थोड़ा इस वाले एरिया को यहाँ पर चेक करा करके लाता हूँ। इस वाली साइड में ना काफी सारे आप लोगों को कैफे वगैरह देखने को मिल जाएंगे। यहाँ पर ना लोग आते हैं वैसे भी एंजॉय वगैरह करने के लिए। सहस्त्र धारा है वो यहाँ पर देहरादून का एक टूरिस्ट प्लेस है। तो उससे पहले भी यहाँ पर ये कुछ जगह पड़ती है जहाँ पर कि आप लोग जा सकते हो, जो कि मैं आप लोगों को ये दिखाई रहा हूँ साथ साथ। अरे कहाँ जा रहे हैं? मैं रहते नहीं जाऊँगा। तू बियर ग्रिल्स बन रहा है क्या भाई? फोर्स तो ठीक ठाक है पानी में। ये चेक कर लो भाई, ये देख लो भाई इस साइड से आ रहा है पानी। यहाँ पर तक तो मैं पहुँच गया, और काफ़ी बढ़िया लग रहा है यहाँ पर आकर के। थोड़ी ठंडक सी इस वाले एरिया में, क्योंकि ना यहाँ पर पानी वगैरह, पानी वाले एरिया में ना थोड़ी ठंडक भी रहती है। तो सही लग रहा है यहाँ पर पहुँच करके। काफ़ी बड़ा एरिया आप लोग ये देख रहे होंगे। तो जब यहाँ पर मतलब बरसात वगैरह का टाइम रहता होगा, जब बारिश वगैरह हो रही होती होगी, पूरा भाई यहाँ पर भर जाता होगा मेरे हिसाब से पानी से। मेरे पीछे का एरिया देख रहे होंगे काफ़ी बढ़िया है यहाँ पर। यहाँ पर ना पिकनिक वगैरह के लिए तो काफ़ी बढ़िया जगह रिकमेंड कर सकता हूँ, मतलब कि इस जगह पर आप लोग आओ और आराम से अपना इन्जॉय वगैरह करो, अपनी फैमिली के साथ आ सकते हो, फ्रेंड्स वगैरह के साथ मतलब आ सकते हो यहाँ पर। अभी फिलहाल हमने यहाँ से भाई अभी सीधा आगे आगे को निकलना है, मतलब सहस्त्र धारा जो मैं आप लोगों को बता ही रहा हूँ वहाँ पर मैं आप लोगों को भी लेकर के जाने वाला हूँ। ये वाला पानी कहाँ से आ रहा है? ये देख वो तो मेन आ रहा है ना, देखिए पानी अदृश्य पानी है, यहाँ से आ रहा है नीचे। अबे जमीन के अंदर से प्रकट हो रहा है पानी, ये देख देख ले भाई यहाँ से आगे देख पूरा सूखा हुआ है। कहाँ से आ रहा है? मिट्टी जम रही है ऐसी ना। यहाँ पर और भी कोई अच्छी अच्छी लोकेशन दिखेंगे हमको, तो मैं आप लोगों को यहाँ पर चेक कराता रहूँगा। फिलहाल के लिए भाई निकलते हैं इस वाली लोकेशन से, और आगे पे मैं आप लोगों को चेक कराता हूँ। बीच में ना थोड़ा सा ये रास्ता यहाँ पर ख़राब भी हो रखा है, तो वैसे गाड़ी वगैरह तो आ जाती है, ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो इस साइड पर ये भाई नदी जो मैंने आप लोगों को अभी जिसमें मैं लेकर के गया था, काफ़ी ऊँची ऊँची सी यहाँ पर ये पहाड़ियाँ भी हैं, ये भी आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेगी। तो नदी, झरने, पहाड़ सब कुछ यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिलेंगे। वैसे बोलते हैं ना जो सहस्त्र धारा है वहाँ पर जो द्रोण आचार्य थे उन्होंने वहाँ पर तप किया था, वहाँ पर उनकी एक मतलब द्रोण गुफा भी है, वो भी मैं आप लोगों को यहाँ पर चेक कराऊंगा। अभी हम यहाँ पर पहुंच गए एक ब्रिज के सामने पे, ये आप लोग यहाँ पर देख रहे होंगे, ये भाई यहाँ पर एक प्यारा सा ब्रिज, ये चेक करो भाई। इस ब्रिज से होते हुए यहाँ पर आप लोगों को आना पड़ेगा, तो ये आप लोग यहाँ पर चेक कर सकते हो। यहाँ पर से भाई हम भी होते हुए आ रहे हैं, और अभी जाने लगे हैं यहाँ से सीधा आगे आगे की ओर।
फिर आगे से मैं आप लोगों को चेक कराता हूँ। वैसे यहाँ पर भी ना काफ़ी अच्छी लोकेशन है ये ब्रिज के सामने, तो यहाँ पर आप लोग फोटोज़ वगैरह क्लिक करवाने के लिए रुक सकते हो। मेरा तो खैर पूरा व्लॉग वगैरह ही बन गया। दो रास्ते कटेंगे आगे से, एक मसूरी रोड के लिए और एक यहाँ पर सहस्त्रधारा के लिए। अभी मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ कि आप लोगों को किस साइड को यहाँ पर जाना है। तो भाई यहाँ पर आप लोग लिखा हुआ देख रहे होंगे मसूरी के लिए आप लोगों को यहाँ से लेफ्ट हैंड साइड को जाना है और सहस्त्रधारा के लिए राइट हैंड साइड को। तो यहाँ से हमने राइट साइड को अभी टर्न होना है, इस साइड को हम यहाँ पर टर्न हो गए राइट साइड को। यहाँ पर फिर आप लोगों को एक और ब्रिज यहाँ पर देखने को मिलेगा, ये आप लोग यहाँ पर चेक कर रहे होंगे। तो ये पहले वाले से काफी बड़ा है ये वाला ब्रिज, कितना प्यारा व्यू है यहाँ पर से। पहुंच गए हम यहाँ पर सहस्त्रधारा। अब ये काफी बड़ा एरिया है तो पूरे एरिया को मैं आप लोगों को यहाँ पर चेक कराऊंगा। ये देखो भाई यहाँ से आ रही है नदी, ये आप लोग यहाँ पर चेक कर रहे होंगे और यहाँ तक आवाज आ रही है पानी की। तो एक ये मार्केट है यहाँ पर सहस्त्रधारा का, सहस्त्रधारा का प्राचीन शिव मंदिर इस वाली साइड को यहाँ पर दिखा रहे हैं। चल देख के आते हैं इधर क्या। तो भाई यहाँ पर तक तो हम पहुँच गए, अभी देखते हैं भाई यहाँ पर क्या क्या आसपास पे। भगवान शिव के यहाँ पर दर्शन करके फिर आगे को निकलेंगे। अभी आगे ना और सारी भी यहाँ पर जगह, वो भी मैं आप लोगों को यहाँ पर चेक कराता हूँ। मुख्य प्रवेश द्वार तो यहीं पर लिखा है। चल चले चलो जी देख करके आते हैं अंदर पे किस टाइप से, क्योंकि मैं भी ना इस साइड पे यहाँ पर पहली बार आ रहा हूँ इस मंदिर में। तो देखते हैं भाई यहाँ पर आखिर में है क्या चीज़। प्राचीन शिव मंदिर यहाँ पर लिखा हुआ था ये भाई रास्ता है, द्रोण गुफा भी इधर ही है। तो उसको भी मैं आप लोगों को अभी चेक करा दूंगा। यहाँ पर द्रोण गुफा जो है वो भी साइड इसी साइड पर, उसको भी यहाँ पर अभी चेक कर लेंगे हम। पहले मंदिर देख करके आते हैं एक बार। तो जाने लगे भाई यहाँ पर मंदिर में। तो ये भाई यहाँ पर शिव मंदिर, काफ़ी प्यारा मंदिर है और इसकी यहाँ पर क्या क्या मान्यता वगैरह उस बारे में मैं आप लोगों को यहाँ पर अभी बता दूँगा। तो चलो जी यहाँ पर दर्शन वगैरह करके हम आ गए अंदर ना। वहाँ पर भाई फोटोज वगैरह लेना मन है, वीडियो वगैरह बनाना मन है। यहाँ पर द्रोण गुफा है, उसको मैं आप लोगों को यहाँ पर जरूर से चेक कराऊंगा। तो शिव मंदिर वैसे यहीं पर है, उसके लिए आप लोगों को यहाँ पर खुद जाना पड़ेगा मंदिर में। तो इधर पर रहता है ये मंदिर और यहाँ का वैसे वीडियो वगैरह बनाना अलाउड नहीं है, इसलिए मैं दिखा तो नहीं पाया आप लोगों को। पर बाकी जो यहाँ पर आसपास की लोकेशन वो सारी मैं आप लोगों को यहाँ पर चेक कराता हूँ। द्रोण गुफा यहाँ पर है, मैं दिखा देता हूँ आप लोगों को। जो द्रोण आचार्य उनका एक यहाँ पर ये स्टैचू भी बना रखा है, आप लोग यहाँ पर चेक कर रहे होंगे। ये देख लो भाई, ये भाई यहाँ पर द्रोण आचार्य जो है उनका यहाँ पर जो स्टैचू बना रखा है। यहाँ आगे पे वैसे अभी गुफा वगैरह वो भी मैं आप लोगों को यहाँ पर चेक करा दूंगा। पर यहाँ पर से आप लोग देख रहे होंगे यहाँ पर कितनी प्यारी सी है, यहाँ पर उनकी एक स्टैचू या मूर्ति टाइप आप बोल सकते हो बना रखी है। बाकी भाई यहाँ से पानी गिर रहा है, पूरे नेचुरल वाटर है ये, आप लोग देख रहे होंगे ऊपर से यहाँ पर आ रहा है। आसपास के एरिया आप मेरे यहाँ पर देख ही रहे होंगे कि किस टाइप से। ये रहा भाई यहाँ पर रास्ता, रास्ते का अंदाज आप लोगों को मैं यहाँ पर दिखाई रहा हूँ। तो यहाँ से जा रहे हैं हम अभी और आ रहे हैं हम यहाँ पर से। तो यहाँ पर ये भाई प्राचीन शिव मंदिर जो मैंने आप लोगों को अभी दिखाया, फोर्स काफ़ी ज़्यादा इस पानी में, ये आप लोग यहाँ पर चेक कर पा रहे होंगे। प्राकृतिक गुफा और प्राकृतिक झरना, ये पानी शायद वहीं से आ रहा है, यहाँ साइड साइड से भी आ रहा है इसमें पानी। ये गुफा तो ये भी है भाई, यहाँ पर यही रही होगी क्या गुफा, ये आप लोग यहाँ पर चेक कर रहे होंगे। अभी फिलहाल के लिए आगे जाने लगे और आगे देखते हैं भाई यहाँ पर क्या क्या है। वैसे ना यहाँ पर आप लोगों को चेंजिंग रूम वगैरह भी देखने को मिल जाएंगे अगर आप लोग यहाँ पानी में जाते हो, पानी में मतलब अगर आप लोग नहाना चाह रहे हो। क्योंकि बोलते हैं ना कि जो यहाँ पर का ये पानी है इसमें अगर कोई नहाए उससे मतलब जितने भी जो चरम रोग होते हैं यानी कि जो स्किन जो डिजीजेज होती हैं वो दूर हो जाती हैं, ऐसे बोलते हैं। पहले तो आप यहाँ का व्यू देखो भाई, कितना ही सुंदर देखने को मिल रहा है। अब यहाँ पर से भाई दो रास्ते कट रहे हैं, एक तो इस वाली साइड को जा रहे हैं और एक यहाँ से जा रहे हैं सीधा आगे को, इसमें जाना है पहले। तो यहाँ पर से भी भाई दो रास्ते हैं, फिर एक इस वाली साइड को और एक इस वाली साइड को, मतलब यहाँ से हम आए तो तीन रास्ते हैं, एक यहाँ और एक यहाँ और एक यहाँ। तो हम फिलहाल के लिए भाई इस वाले में जा रहे हैं। ये चेक करो भाई रास्ता कैसा हो रखा है यहाँ पर, थोड़ा सा भाई यहाँ पर संभल करके चलना क्योंकि यहाँ पर थोड़ा सा हो सकता है फिसलन वगैरह हो। कि गर्मियों के टाइम पे तो इस एरिया में अभी बहुत ही ज़्यादा यहाँ पर भीड़ रहती है, गर्मियों में ना यहाँ पर काफ़ी सारे लोग आते हैं तो उस टाइम पर यहाँ पर बहुत ज़्यादा ही भीड़ रहती है। आ गए भाई हम इस वाले रास्ते से और जाते हैं भाई यहाँ से ऊपर ऊपर, देखते हैं भाई अभी क्या देखने को मिलता है और ऊपर पे। दोनों रास्ते एक ही जगह पे आकर के कनेक्ट हो गए, ये आप लोग देख रहे होंगे। तो ये रास्ता इधर से आ रहा है और हम इस वाले रास्ते से आ रहे हैं, तो ये दोनों यहीं पर आकर के मिल गए और यहाँ से अब जा रहे हैं ऊपर। है कुछ ऊपर देख के तो, और ठंडक है इस वाले एरिया में। एक बात तो है गर्मियों में मतलब इंजॉय करने के लिए बेस्ट जगह है आप लोगों की ये सहस्त्रधारा। बहुत सारी धाराएं निकलती हैं, मतलब ऐसे पानी निकलता है बहुत अलग अलग जगह से, तो इस वजह से इस जगह का नाम यहाँ पर सहस्त्रधारा यहाँ पर पड़ा है। आसपास में तो मैं देख ही रहा हूँ काफ़ी सारे यहाँ पर सही में पानी भी निकल रहा है अलग अलग लोकेशन में से, 1000 से ऊपर यहाँ पर जो धाराएं वो निकलती हैं, इसलिए इस जगह को यहाँ पर सहस्त्रधारा बोलते हैं। तो जैसे मैंने आप लोगों को बताया कि किसी को जैसे कोई स्किन डिजीजेज वगैरह रहती हैं तो वो लोग भी यहाँ पर आते हैं, क्योंकि बोलते हैं ना कि इस वाले पानी से पानी में मतलब अगर कोई नहाए तो उसके यहाँ पर जितने भी स्किन डिजीजेज वगैरह रहती हैं वो खत्म हो जाती हैं। काफ़ी सारे यहाँ पर टूरिस्ट लोग यहाँ पर ज़्यादा आते हैं क्योंकि जगह यहाँ पर भाई काफ़ी सुंदर थी और नेचर के बीच में ये जगह। यहाँ पर तक आप लोग कैसे पहुँच सकते हो इसका मैंने आप लोगों को यहाँ पर अंदाजा दे ही दिया है, यहाँ तक पहुँचने का मैंने रूट आप लोगों को यहाँ पर चेक करा दिया। अगर आप लोगों को फिर भी कुछ दिक्कत वगैरह होती है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने यहाँ का लोकेशन पिन कर रखी है, आप लोग वहाँ पर से चेक करके और इस लोकेशन तक यहाँ पर पहुँच सकते हो। पहले मैं आप लोगों को यहाँ पर वाटरफॉल वगैरह चेक कराता हूँ क्योंकि अभी ना लोग इस साइड पर यहाँ पर फोटोज़ वगैरह क्लिक करवा रहे हैं। जो यहाँ पर गुफा है वो भी मैं अभी आप लोगों को दिखा दूंगा। ये भाई यहाँ पर से वाटरफॉल, ये आप लोग देख रहे होंगे मेरे पीछे पे। तो इसी को देखने के लिए यहाँ पर भाई काफ़ी दूर दूर से लोग यहाँ पर आए हुए रहते हैं,
और यहाँ पर वैसे अभी जो केव है वो यहाँ पर है, और यहाँ पर से देखो भाई ये पानी आ रहा है यहाँ पर, ये आप लोग यहाँ पर चेक कर रहे होंगे, ये चेक करो भाई, ठंडक है भाई पानी में काफ़ी ज़्यादा है ना। आपको 10 मिनट यहाँ पर रहना है, आप गीले हो जाओगे पूरे। पहाड़ियों का शेप भी किस टाइप से हो रखा है यहाँ पर, अब मैं दिखाता हूँ आप लोगों को यहाँ पर जो द्रोण गुफा है, जो अब यहाँ पर द्रोण गुफा है ना वो मैं आप लोगों को यहाँ पर अभी चेक कराता हूँ। जाने लगे हम यहाँ पर ऊपर पे, ये देखो भाई, ये भाई यहाँ पर लोकेशन, यहाँ पर थोड़ी सी फिसलन हो सकती है इसलिए थोड़ा आराम आराम से हम यहाँ पर जा रहे हैं। ये देखो भाई यहाँ पर हम पहुँच तो गए, ये रहे भाई यहाँ पर गुफा, इसके बाहर पे भी भाई ये पूरा यहाँ पर पानी गिर रहा है और ये गुफा अंदर तक है, तो काफ़ी बड़ी गुफा, आराम से आना है, फिसलन है वहाँ पर, पकड़ पकड़ के। तो ये भाई यहाँ पर गुफा वगैरह जो मैं आप लोगों को यहाँ पर चेक करा रहा हूँ, तो मेरे पीछे पे आप लोग ये देख रहे होंगे, ये रहे भाई यहाँ पर द्रोण गुफा। तो यहीं पर ना मतलब जो द्रोण आचार्य थे उन्होंने यहाँ पर शिव की तप किया था यहाँ पर आकर के। ये देख लो भाई काफ़ी गहरी है गुफा अंदर तक, यहाँ पर आप लोग अगर चेक कर पा रहे होंगे तो अंदर तो मेरे को कुछ दिख भी नहीं रहा, जा सकते हैं क्या वहाँ? कैसे जाएं? दिख जाऊँगा यार मैं, जा तो सकता हूँ वैसे, कुछ तो है वहाँ। ये भी एक गुफा यहाँ पर और एक गुफा ये, तो यहाँ पर मैं भीग रहा हूँ तो मेरे को फटाफट से यहाँ पर हटना पड़ेगा, पानी गिर रहा है मेरे ऊपर, पर मैं आप लोगों को यहाँ पर दिखा देता हूँ। ये भाई यहाँ पर वैसे ना एक गुफा यहाँ पर काफ़ी गहरी है, मैं यहाँ पर देख पा रहा हूँ जैसे, तो काफ़ी मतलब गहरी सी गुफा ये लग रही है अंदर पे, मुझे लग रहा है यहाँ पर शिवलिंग वगैरह होगा पक्का से। चलो मैं एक बार देख करके आता हूँ अंदर पे क्या कैसा है, क्योंकि मैं थोड़ा बहुत तो यहाँ पर भीग ही गया हूँ, एक बार देख के आ जाते हैं अंदर पे है क्या आखिर। तो ये आप लोग यहाँ पर चेक कर पा रहे होंगे इस टाइप से भाई अंदर पे, तो ये गुफा बननी हुई है यहाँ पर, ये आप लोग देख रहे होंगे, और इस टाइप से यहाँ पर ये पानी गिर रहा है यहाँ पर ऊपर में से, ये देख लो भाई। तो भाई यहाँ पर बड़ी मुश्किल से दिखा रहा हूँ मैं आप लोगों को, क्योंकि यहाँ पर पत्थर ये फिसलने वाले हो रखे हैं, मतलब यहाँ से जाएगा तू और यहाँ से इधर को खुल जाएगा बस ऐसे। हाँ मतलब अगर आप लोग यहाँ से जाओगे ना अंदर तो यहीं पर से इधर को मुड़ जाओगे आप, मतलब इस वाले से आप बाहर आ जाओगे यहाँ पर। तो पहले तो यहाँ पर मतलब लोग भी नहीं आते रहे होंगे, यहाँ पर शांति रही होगी, आज की डेट में तो यहाँ पर काफ़ी सारे टूरिस्ट वगैरह आ रहे हैं, तो अब तो भीड़ भाड़ हो गई इस वाले एरिया में, पूरा भीग गया यार। गुफा भी मैंने आप लोगों को यहाँ पर चेक कराई थी अंदर तक, इस चक्कर में मैं पूरा यहाँ पर भीग भी गया, और अंदर मैंने दिखा दी गुफा इस साइड से जा रही है, और मतलब इस साइड से जा रही है तो इस साइड से यहाँ पर खुल जा रही है, तो मतलब गुफा के यहाँ पर दो रास्ते हैं अंदर बाहर आने के। यहाँ पर मैं थोड़ी देर रुक रखा हूँ कि मेरे कपड़े वगैरह यहाँ पर सूख जाएँ, क्योंकि कपड़े भाई मेरे पूरे गीले हो गए मैं अंदर गुफा दिखाने के चक्कर में। फिलहाल भाई आप लोग यहाँ से व्यू वगैरह देखो भाई, ये भाई यहाँ पर सहस्त्र धारा की नदी, यहाँ पर आप लोगों को चेंजिंग रूम वगैरह भी देखने को मिल जाएगा, ये आप लोग यहाँ पर देख सकते हो। तो ये सारे डिटेल यहाँ पर दे रखा है। मंदिर भी हमने यहाँ पर चेक कर लिया, द्रोण गुफा हमने यहाँ पर चेक कर ली, वाटरफॉल हमने यहाँ पर चेक कर लिया, और आसपास में जो घूमने लायक जगह है वो भी मैं आप लोगों को यहाँ पर अभी दिखा देता हूँ, ये सब भी खा सकते हो। यहाँ पर अंकल आप लोगों को देखने को मिल जाएंगे। कितने का रहता है अंकल ये? 30 रुपये 50 रुपये। अच्छा तो भाई आओगे तो जरूर से खाना यहाँ पर अंकल, आप लोग अंकल हो कि भैया? भाई जी है। हाँ भाई जी है ना, तो भाई जी यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिल जाएंगे, तो आकर के उनसे जरूर से खाना, और यहाँ पर ना एंजॉय करोगे आप इस जगह पे आकर के, काफी बढ़िया ही जगह है यहाँ पर। तो चलो भाई फिलहाल के लिए मैं आप लोगों को यहाँ से नीचे लेकर के चलता हूँ, थोड़ा सा यहाँ पानी के किनारे पे, मतलब ये नदी के किनारे पे, क्योंकि पानी में मैं यहाँ पर जाने नहीं वाला, पहले मैं यहाँ पर भीग चुका हूँ, अब मैं जाऊँगा नहीं, फटाफट से सूखूंगा और फिर आगे निकलूंगा। तो चलो भाई नीचे पे मैं तब तक आप लोगों को चेक करा के जाने लगा मैं नीचे की ओर। कपड़े वगैरह भी मिल जाते हैं वैसे आप लोगों को, निक्कर वगैरह हो गया, चेंजिंग रूम भी है, सभी कुछ है। मोटे मोटे अंकल भी कूदे हैं पानी में, ये चेक करो भाई, ये रही भाई जगह, ये आप लोग यहाँ पर चेक कर रहे होंगे, ये है भाई यहाँ पर सहस्त्र धारा का पूरा जो पानी वगैरह है, ये आप लोग मेरे पीछे पे यहाँ पर देख रहे होंगे। आवाज़ से आप लोग यहाँ पर अंदाज़ा लगा सकते हो कि पानी में कितना ज़्यादा यहाँ पर पोर्स है। गहराई तो ठीक ठीक है, मतलब बहुत ज़्यादा भी नहीं बोलूँगा तो बहुत कम भी नहीं है। बाकी भाई यहाँ पर आधा से ज़्यादा तो ये सारे टूरिस्ट वगैरह ही उतर रखे हैं पानी में। भाई आप लोगों को यहाँ से आगे लेकर के चलता हूँ, फिर आगे से चेक कराता हूँ भाई यहाँ पर लोकेशन वगैरह। ऊपर पे पूरे देख ग्रीन ग्रीन सा हो रखा है, नीचे से पानी बह रहा है, कितना सही लग रहा है, ये चेक करो भाई, मेरे को तो बहुत प्यारा लग रहा है देखने का, सामने में तो बहुत सुंदर दिख रहा है। यहाँ पर भाई मेरे को एक गुफा और देखने को मिल गई, वो भी मैं आप लोगों को चेक कराता हूँ। देख तूने भी नहीं देखी है ये वाली, देख ये भी तो यहाँ पर एक गुफा, अंदर पे देख करके आते हैं भाई यहाँ पर क्या कुछ है। यहाँ पर भी मुझे लग रहा है ना शायद शिवलिंग वगैरह बना रखे, तो ये जाने लगे हैं भाई यहाँ पर से हम अंदर। ओ भाई साहब पकड़ा है भाई यहाँ का हिसाब, अरे भाई देखो भाई यहाँ पर एक ये नेचुरल शिवलिंग भी है, ये देख पा रहे होंगे आप, यहाँ पर ये बन रखा है यहाँ पर एक शिवलिंग, और ये रही भाई यहाँ पर गुफा, ये आप लोग मेरे देख रहे होंगे पीछे पे, ये भाई यहाँ पर से गुफा। तो वही नीचे पे ना पूरा ये पानी पानी हो रखा है, ये आप लोग देख लो, तो पानी है यहाँ पूरा। तो ये मैंने यहाँ पर आप लोगों को शिवलिंग वगैरह दिखा दिया, और लोगों ने यहाँ पर पैसे वगैरह भी चढ़ा रखे हैं। यहाँ की ये दीवार वगैरह आप लोग चेक कर रहे होंगे कुछ इस टाइप से यहाँ पर, ये देख लो भाई साहब कैसा है यहाँ पर,
पूरा मैंने आप लोग का यहाँ पर दिखा दिया, ये देख लो इन्हीं जगहों पर यहाँ पर जो द्रोण आचार्य थे वो आए थे। तो चलो भाई फिलहाल तो हम तो निकलते हैं यहाँ पर से। तो चलो जी यहाँ अंदर से भी मैं आप लोगों को लेकर के आ गया, यहाँ पर आप लोगों को मैंने दिखाई दिया सारा कुछ। यहाँ पर से आप लोग देख रहे होंगे पानी का कलर ऐसा लग रहा है जैसे दूध बह रहा होगा, बिल्कुल दूध वाले कलर का हो रहा है। थोड़ा और आगे निकलते हैं, फिर आगे पे ना और भी लोकेशन है, उनको भी मैं आप लोगों को यहाँ पर चेक कराता हूँ। बहुत सारी धाराएं निकल रही है जैसे यहाँ पर आप लोग देख रहे होंगे, ऐसी यहाँ पर हजारों यहाँ पर धाराएं निकलती है, इसी वजह से इस जगह का नाम यहाँ पर सहस्त्र धारा है। अब यहाँ पर भी आप लोग ये चेक कर रहे होंगे, यहाँ पर से भी आ रहे हैं पानी वगैरह। द्रोण आचार्य के जो यहाँ पर मूर्ति बना रही है उनसे उनकी भाई यहाँ पर पावर का भी अंदाजा लग रहा है, कितने मतलब वो कितने बलशाली यहाँ पर रहे होंगे, इस चीज का अंदाजा आप लोगों को यहाँ पर लग रहा होगा। और इस टाइप से यहाँ पर काफी सारी ये धाराएं आ रही है, ये आप लोग यहाँ पर चेक कर पा रहे होंगे। ये है भाई यहाँ पर द्रोणाचार्य का एक वो बना रखा, यहाँ पर ना धर्मशाला वगैरह भी है, ये आप लोग लिखा हुआ देख रहे होंगे। यहाँ पर कमरे वगैरह आप लोगों को देखने को मिल जाएंगे, अगर आप लोगों को यहाँ पर स्टे वगैरह करना है तो यहाँ पर आप लोग ले सकते हो। वैसे यहाँ पर आसपास पे होटल वगैरह भी हैं, अगर यहाँ पर फुल हो जाता है होटल वगैरह यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे, होम स्टे यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे, तो वहाँ पर भी आप लोग रुक सकते हो। वैसे ना ये देहरादून से ज्यादा दूर नहीं है, अगर आप लोग यहाँ पर अपने व्हीकल के थ्रू आ रहे हो तो आप लोग यहाँ पर देहरादून पे भी रुक सकते हो। और अगर आप लोग इसी वाले एरिया में रुकना चाह रहे हो, प्राकृतिक जो सौंदर्य इसको यहाँ पर इन्जॉय करना चाह रहे हो, तो यहाँ पर आप लोगों को इस टाइप से कमरे वगैरह देखने को मिल ही जाएंगे। हम आ गए यहाँ पर से होकर के इस साइड को, हम यहाँ पर गए थे जहाँ पर मैंने आप लोगों को द्रोण गुफा और वाटरफॉल वगैरह यहाँ पर चेक कराया, और प्राचीन शिव मंदिर भी इसी साइड को था। इस वाली रोड से हम यहाँ पर होते हुए आ रहे हैं, जो देहरादून वाली रोड है वो यही वाली रहती है यहाँ पर। और यहाँ से भाई अब हम सीधा आगे को निकलने लगे हैं, लेकर के चल रहा हूँ आप लोगों को यहाँ से आगे। एक ये छोटा सा मार्केट बोल सकते हो आप, जहाँ पर कि आप लोग घूम सकते हो। बाकी भाई जो प्राचीन शिव मंदिर है उसका रास्ता ना वैसे यहाँ पर से भी है, मैं आप लोगों को पीछे वाले ब्रिज से यहाँ पर लेकर के गया था, पर आप लोग चाहो तो यहाँ से भी जा सकते हो। ये भी एक एंट्रेंस वगैरह, ये भी है भाई यहाँ पर से एक एंट्रेंस वगैरह, तो यहाँ से भी आप लोग जा सकते हो। तो भाई यहाँ पर एक ये फन पार्क भी आप लोगों को देखने को मिल जाएगा, ये आप लोग देख सकते हो। तो अगर आप लोगों के साथ यहाँ पर बच्चे वगैरह आ रहे हैं तो यहाँ पर भी जरूर से जाना आप लोग। यहाँ से ना रोपवे की फैसिलिटी भी आप लोगों को देखने को मिल जाएगी, ऊपर पे ना एक यहाँ पर मतलब एक क्या बोलेंगे उसको, एक रिजॉर्ट है या फिर एक पार्क है बोल सकते हो आप। यहाँ से ऊपर जाना पड़ता है रोपवे के थ्रू, ये आप लोग यहाँ पर देख रहे होंगे। तो टिकट वगैरह आप लोगों को यहाँ पर से लेना पड़ेगा, अप डाउन का यहाँ पर 200 रुपये रहता है। अगर आप लोगों को ऊपर भी जाना है और नीचे तो आओगे फिर 200 रुपये का आप लोगों को यहाँ पर टिकट वगैरह लेना पड़ेगा। ये भाई यहाँ पर हम एक और ब्रिज को पार करते हुए और यहाँ से आगे निकल रहे हैं, ये आप लोग यहाँ पर चेक कर रहे होंगे। भाई यहाँ नीचे पे तो काफी सारे लोग जा रहे हैं, वो भी मैं भी आप लोगों को यहाँ पर दिखा दूंगा। इस वाली साइड को यहाँ पर चेक करा के लाता हूँ मैं आप लोगों को। देखो भाई थोड़ा ना आगे का एरिया यहाँ पर चेक करके आते हैं, क्योंकि जो सहस्त्र धारा है उसको तो हर कोई यहाँ पर दिखा रहा है। सहस्त्र धारा के थोड़ा आगे जाकर के क्या यहाँ पर पड़ता है और क्या चीजें हमको यहाँ पर देखने को मिलती है, हम वो सारा यहाँ पर चेक करके आएंगे। तो इस रास्ते से हम यहाँ पर भाई अभी जाने लगे हैं, आप लोग देख रहे होंगे। तो भाई यहाँ पर हम आगे तक देख करके आ गए, तो यहाँ पर हमने अभी पता करा। तो आगे भाई ये रास्ता यहाँ पर मसूरी में जाकर के खुल जाता है। सहस्त्र धारा में जैसा आप लोगों को पता ही है, गर्मियों के टाइम पे मतलब समर के टाइम पे तो बहुत ज्यादा ही वहाँ पर भीड़ रहती है। समर के टाइम पे नहाने वगैरह के लिए आते हैं, और पूल भी यहाँ पर काफी सारे हैं इस वाली साइड को। तो भाई यहाँ पर भंडारा वगैरह हो रहा था, तो हमको यहाँ पर खाने को भी मिल गया, ये आप लोग यहाँ पर चेक कर रहे होंगे। तो यहाँ पर ये कद्दू की सब्जी हो गई, पूरियाँ हो गई, छोले, आलू की सब्जी और रायता, और मीठे में यहाँ पर वही प्रसाद वगैरह मिल रहा है। तो हम पहले प्रसाद वगैरह लेते हैं, फिर यहाँ से आगे निकलेंगे। तो यहाँ पर कीर्तन वगैरह भी हो रहे हैं, भंडारा हो रहा है यहाँ पर, और पहले यहाँ पर खाना वगैरह खा के फिर निकलते हैं यहाँ से आगे। बहुत अच्छा हो रहा था वहाँ पर खाना पीना, और वहाँ पर व्यवस्था भी बहुत अच्छे से करी थी उन्होंने। अभी मैं आप लोगों को यहाँ से ऊपर लेकर के गया था, अब जा रहे हैं हम नीचे वाली साइड को। सहस्त्र धारा प्रमुख प्रवेश द्वार यहाँ पर लिखा हुआ है, तो यहाँ से अंदर हम जाने लगे। यहाँ पर ये मार्केट ही टाइप है, ये आप लोग देख रहे होंगे। तो देखते हैं भाई यहाँ पर बाकी क्या कुछ हमको देखने को मिलता है। स्टॉल वगैरह है यहाँ पर लगे हुए, फैंसी आइटम वगैरह देखने को मिल जाएंगे। ओहो हॉन्टेड हाउस, अबे रितेश यहाँ देख हॉन्टेड हाउस में तेरी फोटो क्यों बनाई है? जो होता ही है कैंटी फॉल, हाँ जैसे कैंटी फॉल में उसी टाइप से लग रहा है यहाँ पर ना। ये सारे गेम वगैरह भी आप लोग यहाँ पर खेल सकते हो। सहस्त्र धारा में एक अनोखा धारा देखने को मिल रहा है इधर, ये देख, ये देखो भाई होली में पिचकारी है, होली के लिए सबसे बेस्ट पिचकारी है। तो यहाँ पर ना पानी को ऐसे बीच में रोक रोक करके वो बना रखे हैं, सीढ़ी होती है ना उस टाइप से यहाँ पर बना रखे हैं। बैठने वगैरह के लिए वैसे बेंच वगैरह भी लगा रखे हैं, पर यहाँ पर शायद ही कोई बैठता होगा, क्योंकि सब लोग भाई पानी को देखते हैं और पानी में चले जाते हैं। जैसे मैंने आप लोगों को बताया पीछे भी मेरे यहाँ पर काफी सारे रेस्टोरेंट, रिजॉर्ट, होम स्टे, गेस्ट हाउस, इस टाइप की काफी सारी चीजें। तो यहाँ पर तो थोड़ा सा पानी शांत हो रखा है, पानी साफ भी है यहाँ पर, बल्कि नीचे के पत्थर भी मेरे को यहाँ पर क्लियर नजर आ रहे हैं। भाई सीजन के टाइम पे ना यहाँ पर बहुत ज्यादा भीड़ रहती है, इस टाइम पे तो फिर भी थोड़ी सी मेरे को यहाँ पर भीड़ भाड़ कम देखने को मिलती है। अगर आप लोग यहाँ पर ऐसे टाइम पे आते हो जब यहाँ पर मतलब सीजन पीक में रहता है, यानी कि गर्मियों के टाइम पे, समर सीजन में तो काफी ज्यादा भीड़ रहती है इस एरिया में। यहाँ पर आप लोग देख रहे होंगे काफी सारे लोग उतरे हुए भी हैं पानी में। तो यहाँ पर भी पानी तो बिल्कुल साफ है, आप लोग यहाँ पर से अंदाजा लगा ही रहे होंगे। मैं आप लोगों को एक बार दिखा भी देता हूँ यहाँ पर से, ये देख लो भाई, ये आप लोग यहाँ पर चेक कर पा रहे होंगे, क्लियर है यार यहाँ पर, ऐसा कुछ नहीं है कि पानी यहाँ पर गंदा हो, पानी साफ है बिल्कुल। तो आ सकते हो यहाँ पर आप लोग। बाकी इस पानी में नहाने से क्या होता है वो सारी चीजें मैं आप लोगों को ऑलरेडी बता चुका हूँ। ये रही भाई यहाँ पर लोकेशन वगैरह मेरे पीछे पे आप लोग यहाँ पर देख रहे होंगे।
अगर आप लोग एक ऐसा टूरिस्ट स्पॉट ढूंढ रहे हो कि जहाँ पर आप लोग आ सको और पानी में इंजॉय भी कर सको, तो यहाँ पर जरूर से आना, काफी बढ़िया जगह है, हाईली रिकमेंड है। चाहे आप लोग अपने फैमिली के साथ आना चाह रहे हो या फ्रेंड्स वगैरह के साथ, तो काफी मजा आएगा आप लोगों को इस वाले एरिया में। कुछ भाई लोग यहाँ पर स्विमिंग वगैरह भी कर रहे हैं, थोड़ी सी और ज्यादा भीड़ हो रही है, मतलब ऐसे स्टेप स्टेप में बना रखे हैं। तो यहाँ पर भी आप लोगों को ना चेंजिंग रूम वगैरह देखने को मिल जाएंगे, ट्यूब वगैरह आप लोग मेरे पीछे पे देख रहे होंगे, ये ट्यूब वगैरह भी है। अगर आप लोगों को यहाँ पर ट्यूब वगैरह लेनी है तो वो भी आप लोग यहाँ पर ले सकते हो। बच्चों के लिए भी यहाँ पर ट्यूब वगैरह और निकर वगैरह, जैसे आप लोगों के अगर यहाँ पर कपड़े वगैरह चेंज करने, वो सारी चीजें चेंजिंग रूम यहाँ पर आप लोग मेरे पीछे पे देख रहे होंगे, ये बने हुए हैं यहाँ पर। प्रति व्यक्ति यहाँ पर 10 रुपए रहता है, चाहे महिला हो चाहे पुरुष हो, ये यहाँ पर आप लोग देख सकते हो। यहाँ पर गेम वगैरह हैं जो आप लोग यहाँ पर खेल सकते हो, इस टाइप के गेम रहते हैं, जैसे बंदूक वगैरह वाला होता है या फिर ये बॉल वाले गेम होते हैं, ये सारी चीजें आप लोग यहाँ पर कर सकते हो। तो मैंने आप लोगों को यहाँ पर ज्यादातर लोकेशन वगैरह चेक करा दी, जहाँ जहाँ पर आप लोग जा सकते हो सहस्त्रधारा के, और जहाँ पर आप लोग इंजॉय कर सकते हो और घूम सकते हो। यहाँ पर एक जगह और है, पर उसके लिए आप लोगों को ट्रॉली से ऊपर जाना पड़ता है। बस मैं उस जगह पर यहाँ पर आप लोगों को लेकर के नहीं गया, क्योंकि वहाँ पर भाई 200 रुपए ऊपर जाने का भी और नीचे आने का भी यहाँ पर पड़ता है। फिर ऊपर पे भी शायद वहाँ पर एंट्री फीस वगैरह रहती है, और मतलब इतना कुछ खास है नहीं, बस ये कि ऊपर चोटी में बन रखा है, इसके अलावा कुछ है नहीं, वो पहाड़ी में बन रखा है, बस यही चीज वहाँ पर रहती है, बाकी लगभग इसी टाइप से वहाँ पर। उससे ज्यादा इंजॉय मेरे हिसाब से आप लोग यहाँ नीचे वाले एरिया पे कर पाओगे। बाकी भाई यहाँ ये पूरा जैसे मैंने आप लोगों को दिखाया, यहाँ पर मार्केट टाइप का है यहाँ पर, तो इस वाले एरिया में पूरा ये मार्केट रहता है। फिलहाल के लिए भाई इस वीडियो को मैं यहीं पर एंड करता हूँ। आई होप आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा, अगर अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मैं आप लोगों से मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। बारा की चलती है गाड़ी, पौड़ी से लड़का मैं छोरा पहाड़ी, दिल से हूँ लिखता जो भी मैं गाता, बातें सच्ची बोलूँ मैं सारी। युक बारा की चलती है गाड़ी, पौड़ी से लड़का मैं छोरा पहाड़ी, दिल से हूँ लिखता जो भी मैं गाता, बातें सच्ची बोलूँ।